दांत खाते थे लेकिन सर झुकाकर आपके पास आते थे, आपको डांटते नहीं थे, आपको धमकाते नहीं थे कि प्रधानमंत्री हो, अहंकार नहीं था, देश के सबसे बड़ा पद संभाले थे, उस पद की गहराई को समझते थे, उस पद की सभ्यता को, उस पद की गरिमा को गहराई से समझते थे। वो समझते थे कि इस देश में लोकतंत्र है, इस देश में जनता सर्वोपरि है, जनता डांटे तो डांट सुनो, जनता शिकायत करे तो शिकायत सुनो, जनता की समस्या है तो जनता की बात सुनो, उस समस्या को सुलझाने की कोशिश करो। यही प्रधानमंत्री का धर्म है और यही देश के हर नेता का धर्म होना चाहिए और यही राजनीति इस क्षेत्र में आपने मेरे पिताजी के साथ स्थापित की। एक सच्चाई की राजनीति थी, नेता आते थे आपके सामने, आपको सच बता देते थे। अगर उस खंभे में तार खींचना नहीं था कुछ महीनों के लिए तो कह देते कि बहन खंभा लग गया है, अब तार खींचने में 6-7 महीने लगेंगे, सब्र कर लो। अगर कोई ऐसा काम था जो आप कह रहे थे कि करना चाहिए और करने की संभावना नहीं थी तो कह देते कि देखिए ये वाला काम नहीं होगा लेकिन हम आपके लिए ये वाले काम कर सकते हैं। तो ये जो राजनीतिक रिश्ता, एक प्रेम का रिश्ता, आदर का रिश्ता, श्रद्धा का रिश्ता यहाँ स्थापित हुआ, उसी आधार पर यहाँ तेजी से काम भी हुआ। BHEL, HAL, IIIITB, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, उड़ान अकेडमी, इंदो गल्फ, ACC सीमेंट की फैक्ट्री, ये सब उन्होंने, सोनिया जी ने उनके बाद, राहुल जी ने उनके बाद यहाँ पर शुरू कराया। IIIT तो खैर बंद हो गई उनके जाने के बाद, लेकिन ये एक सिलसिला था काम का। बड़ी बड़ी सड़कें बनी, आज भी जो सड़कें रायबरेली, अमेठी को लखनऊ और देश भर से जोड़ती हैं, ये सड़कें इन्हीं के कार्यकाल में बना। तो आपने एक राजनीति स्थापित की, एक सभ्यता स्थापित की और उस सभ्यता को आगे बढ़ाकर मेरी माताजी जब आपकी सांसद बनी, उन्होंने खूब काम किया आपके लिए। राहुल जी बने, उन्होंने अपने काम किए आपके लिए। तो ये सिलसिला जारी रहा। फिर कुछ सालों पहले एक नई राजनीति उभरी पूरे देश में, लेकिन उसका प्रतीक यहां भी अमेठी में रहा। वो राजनीति क्या थी? अलग थी एकदम। और शायद क्योंकि हम एक परिवार के हैं, हम उसको ठीक तरह से समझ नहीं पाए और हो सकता है कि आप भी समझ नहीं पाए। आपकी आदत क्या थी? आपकी आदत ये थी कि नेता सच बोलेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।